हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेसलिंग रिपोर्ट। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कल के अपने वाले स्मैकडाउन के प्रीव्यू के बारे में। तो गाइस, कल रोमन रेंस का रिटर्न होगा, जैसा कि हम सबको बताया है, पिछले हफ्ते अनाउंस हो गया था रोमन रेंस का रिटर्न। हालांकि गाइस, हमको रिटर्न शब्द को कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि गाइस न जाने कितनी बार इस साल रोमन रेंस का रिटर्न हो चुका है। तो गाइस, रिटर्न को हम साइड में रखते हैं और गाइस कल रोमन रेंस आएंगे स्मैकडाउन में। और गाइस, स्मैकडाउन में क्या क्या होगा, क्या क्या करेंगे रोमन रेंस, ये आज हम वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस, प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, स्मैकडाउन में जो मेन हाईलाइट मैच या फिर जो मेन हाईलाइट राइवलरी कह दो, तो गाइस जो मेन राइवलरी चल रही है बेस्ट, वो है गाइस ओमोस और ब्रॉन स्ट्रोमैन की। गाइस, जैसा कि हमने मंडे नाइट रो में देखा था कि गाइस ओमोस ने अपना 4-on-1 हैंडीकैप मैच करा था, और गाइस चारों जनों को मतलब पछाड़ कर, और गाइस ओमोस ने एक अमेजिंग विक्ट्री हासिल करी थी। तो गाइस, ओमोस की स्ट्रेंथ काफ़ी मतलब अच्छी है, गाइस वे फाइट बहुत अच्छी करते हैं। तो गाइस, ब्रॉन स्ट्रोमैन के कंपैरिजन में देखा जाए तो गाइस ओमोस ज़्यादा ताकतवर हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन से। वैसे गाइस, ब्रॉन स्ट्रोमैन भी हमारे कम नहीं है, मॉन्स्टर अमंग मॉन्स्टर एंड मॉन्स्टर जो भी था गाइस, वो मैं भूल गया। तो गाइस, ब्रॉन स्ट्रोमैन गाइस हमारे वैसे काफ़ी पॉपुलर मतलब नामों में से एक हैं गाइस। 2016 वाले ब्रॉन स्ट्रोमैन को अगर आप जानते होंगे, तो गाइस वे वाला ब्रॉन स्ट्रोमैन गाइस बहुत ताकतवर था। गाइस, मैं उस ब्रॉन स्ट्रोमैन को देखने के लिए काफ़ी तरस हूँ। अब पता नहीं ब्रॉन स्ट्रोमैन कहाँ चला जाए गाइस, वो वाली फीलिंग नहीं आती है ब्रॉन स्ट्रोमैन को देखने में जो गाइस 2015 वाले ब्रॉन स्ट्रोमैन को देख कर आती थी। गाइस, वैसे क्या आप भी ब्रॉन स्ट्रोमैन से एग्री करते हो, क्या आपको ये वाला ज़्यादा पसंद आया 2016 वाला, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइस, ओमोस के मतलब जो ब्रॉन स्ट्रोमैन भी गाइस कल के स्मैकडाउन में शायद 4-on-1 हैंडीकैप मैच कर सकते हैं, या फिर गाइस और भी जने ऐसे मतलब 4-on-1, 5-on-1, 6-on-1 ऐसे ऐसे कर सकते हैं, या फिर कुछ इससे अलग हटके करेंगे ब्रॉन स्ट्रोमैन। मुझे पूरा यकीन है गाइस ब्रॉन स्ट्रोमैन कुछ हटके करेंगे ओमोस से अलग, और गाइस ओमोस से बेहतर। और गाइस, क्राउन जोल में अगर हम देखा जाए तो गाइस ओमोस और ब्रॉन स्ट्रोमैन के जो बैटिंग ओड्स हैं वो ब्रॉन स्ट्रोमैन के आसपास हैं। हालांकि गाइस, ये भी हो सकता है कि गाइस अनएक्सपेक्टेड मोमेंट देखने को मिल जाए हमको ओमोस और ब्रॉन स्ट्रोमैन के मैच के बीच, और गाइस ओमोस ब्रॉन स्ट्रोमैन को हराते हुए दिख जाए क्राउन जोल में। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, मेरी मतलब जो साइड रहेगी वो ब्रॉन स्ट्रोमैन की तरफ ही रहेगी, लेकिन मैं आपको जानना चाहता हूँ कि आप किसकी साइड रहेंगे क्राउन जोल में, ब्रॉन स्ट्रोमैन या ओमोस, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सेकेंड गाइस, हम बात कर लेते हैं ड्रू मैकइंटायर और कैरियन क्रॉस की राइवलरी के बारे में। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है गाइस, अब से नेक्स्ट होने वाले स्मैकडाउन का वो जो होगा वो टेप एपिसोड होने वाला है गाइस। तो गाइस, ड्रू मैकइंटायर और कैरियन क्रॉस हमको एक दिन में ऐसी तोड़फोड़ मचाते हुए तो दिखेंगे नहीं, क्योंकि गाइस कल के जो स्मैकडाउन होगा गाइस उसमें शायद ड्रू मैकइंटायर और कैरियन क्रॉस इतना कुछ ना करें, क्योंकि गाइस उनको दो दो शो की जो शूटिंग है गाइस, जो उनके जो मतलब जो उनका सेगमेंट्स हैं गाइस दो अलग अलग वो गाइस होंगे। तो गाइस कल के स्मैकडाउन में ड्रू मैकइंटायर और कैरियन क्रॉस इतना कुछ ना करें, हालांकि ये दोनों एक ही दिन होंगे, लेकिन गाइस टीवी पर जो टेलीकास्ट होता है उसकी वजह से ये दोनों एक ही दिन में होंगे, लेकिन गाइस हमको ये अलग अलग दिखाए जाएंगे, एक आज और गाइस एक अगले हफ्ते, मतलब जो एक कल दिखाएंगे और एक अगले हफ्ते एपिसोड दिखाएंगे। तो गाइस, ड्रू मैकइंटायर और कैरियन क्रॉस जो नेक्स्ट वीक होने वाला है जो हमको स्मैकडाउन दिखाया जाएगा टेलीविज़न पर, तो गाइस टीवी पर, तो गाइस हमको कुछ बढ़िया सा मज़ेदार देखने को मिलेगा ड्रू मैकइंटायर और कैरियन क्रॉस के बीच। हालांकि गाइस मैं कोशिश करूँगा कि गाइस मैं अगले हफ्ते का ना देखूँ, उसको टेलीविज़न पर मतलब टीवी पर ही देखूँ तो ज़्यादा। स्मैकडाउन के बारे में, तो गाइस स्मैकडाउन की जो मेन हाईलाइट है ब्रे वाइट, उनके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। ब्रे वाइट के बारे में कुछ ज़्यादा बताने को भी है नहीं, लेकिन गाइस वैसे तो बहुत कुछ बताने को है, पर फिलहाल कुछ मतलब कन्फर्म नहीं है कि गाइस यही होगा या नहीं। तो गाइस ब्रे वाइट के बारे में बस यही रिपोर्ट है कि गाइस कल मतलब होने वाले स्मैकडाउन में ब्रे वाइट अपना कोई प्रोमो कट करेंगे, और गाइस कल ब्रे वाइट कुछ खास कर भी सकते हैं, क्योंकि गाइस दो शोज होंगे ना कल स्मैकडाउन के। तो गाइस सेकेंड जो स्मैकडाउन होगा जो अगले हफ्ते वाले की शूटिंग होगी गाइस कल के स्मैकडाउन में, तो गाइस उस वाले स्मैकडाउन के लिए कुछ मेन हाईलाइट हो सकता है, कुछ मेन दिखाया जा सकता है बढ़िया ब्रे वाइट से रिलेटेड। तो बस यही था कुछ आपको। गाइस आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं। तो गाइस रोमन रेंस कल के स्मैकडाउन में क्या प्रोमो दे सकते हैं, क्या सेगमेंट होगा, वे मज़ेदार तो होगा ही गाइस, क्योंकि गाइस ब्लड लाइन के जितने भी सेगमेंट हैं सब मज़ेदार होते हैं, एक से बल्कि एक होते हैं। तो गाइस सैमी ज़ेन को मैं देखने के लिए इंटरेस्टिंग होगी गाइस कल के स्मैकडाउन में क्या सीन दिखा सकते हैं। तो गाइस जैसा कि हमने पिछले स्मैकडाउन में देखा था गाइस, ये उस लोगन पोल के ऊपर
पीछे से अटैक कर दिया था। और गैस फिर सैमी जेन भी आए थे जेवजो को रोकने के लिए, लेकिन गैस जेवजो रुके नहीं और गैस लोगन फोर्ड ने उनको एक बढ़िया सा पंच मारकर दायरा कर दिया। गैस रिंग के चार मतलब रिंग में फैल गए जेवजो। तो गैस ये हमको देखने को मिल सकता है नेक्स्ट स्मैकडाउन में कि गैस जेवजो को रोमन रिंग चाटते हुए दिखेंगे, मतलब रोमन रिंग जेवजो को डांटेंगे कि गैस जब सैमी जेन ने तुमको कहा था कि गैस तुम उसके पास मत जाओ, और जब मैंने कहा था कि गैस लोगन फोर को कोई कुछ नहीं करेगा तो गैस तुमने हाथ भी बढ़ाया। वैसे गैस उनसे ये लगता है कि गैस रोमन रिंग जेवजो को कोई बढ़िया वाली सुनाएंगे कल स्मैकडाउन में। तो गैस ये सीन देखने में बड़ा मज़ा आएगा। और गैस सैमी जेन इन सबको कैसे हैंडल करते हैं गैस जो मेन चीज़ होगी। और गैस क्या लोगन फोर भी आएंगे इस सेगमेंट के बीच में? मेरे ख्याल से तो आएंगे, क्योंकि गैस सैमी जेन पहले तो रोमन रिंग्स और जेवजो के बीच में जो लड़ाई होने वाली है उसको शांत करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे ठीक से, फिर लोगन फोर आएंगे और गैस फिर से आग लगाएंगे। और गैस ऐसे ऐसे करते करते नेक्स्ट इस स्मैकडाउन के ऊपर बात चली जाएगी। वहाँ पर गैस कुछ हमको देखने को मिल सकता है, मुझे भी नहीं पता, अभी मैं भी नहीं बता सकता हूँ। वैसे गैस इतना ही था बताने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करें ना, बिल्कुल मत जाना गैस। वन डे